एडिटिंग पूरी 100% कम्प्लीट हो चुकी है और मेरा प्रोडक्ट भी आ चुका है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। आप सब मस्त होंगे। तो मैं आज नहा धो के पहले से रेडी हो गया, बिल्कुल पूजा पाठ करके, गीता भी पाठ हो गया। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और अपने पास चाय भी आ गई है। तो मैं ब्लॉग के लिए छत पे आ गया था, आज सारा काम मैं पहले रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट करा क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी ज़्यादा काम है। तो फिलहाल तो मैं भी इस चाय का मज़ा ले रहा हूँ और ठंड तो बिल्कुल बेहिसाब है यहाँ पे दिल्ली में। अगर किसी को ठंड का मज़ा लेना दिल्ली में आ जाओ, दिल्ली आ जाओ ठंड का मज़ा लेने के लिए। और आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट रिव्यू करने वाला हूँ जो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो क्या प्रोडक्ट है वो तो वीडियो के साथ बने रहो, तो मैं बताऊँगा। बस थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि वो प्रोडक्ट ठंड के टाइम एवरी मौसम एवरी सीज़न वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, खासकर मिडिल क्लास वालों के लिए। मिडिल क्या, और वो इतना लाइट वेट है कि उसको आप कहीं पर भी उठा के ले जा सकते हो और वो रेगुलर होम यूज़ में आता ही आता है। ठीक, तो मैं वो प्रोडक्ट का रिव्यू करूँगा। फिलहाल तो मैं चाय को ख़त्म करता हूँ और चलता हूँ डायरेक्ट ऑफिस, थोड़ा ज़्यादा काम है और वहाँ जाके मैं प्रोडक्ट रिव्यू करूँगा। शायद काम की वजह से मैं थोड़ा लेट कर पाऊँ, बट कोशिश करूँगा कि आज वो प्रोडक्ट रिव्यू कर ही दूँ। तो अभी चलते हैं ऑफिस की तरफ, फिलहाल चाय ख़त्म करता हूँ। तो भाई कहानी में ये ट्विस्ट आ चुका है कि जो प्रोडक्ट मैं रिव्यू करने वाला था वो प्रोडक्ट हो चुका है आउट ऑफ स्टॉक, मतलब उसमें कोई दिक्कत आ चुकी है इसलिए वो प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है। वो मुझे मेरी बात हुई, वो शाम तक आएगा प्रोडक्ट, तो उसको मैं शाम तक ही रिव्यू कर पाऊँगा। और अभी तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, अभी टाइम हो रहा है 1:18, ठीक है 1:18 मैंने सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस दिमाग ख़राब है, हाथ के कलर दिख रहे हैं, इससे अंदाज़ा लगा लो क्या हुआ होगा। चलो मैं दिखाई देता हूँ, ये देखो दिख रहा है कुछ, ये सारा इंक है। अभी टाइम हो रहा है 1:19, 11 degree है, ठीक। ये इंक, ये प्रिंटर, ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पूरा यहाँ से यहाँ तक पेपर फंस गया था। इस पेपर को निकालने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए और हाथ की ये हालत हो गई, दोनों हाथ के और इंक तो सामने गिर रही हुआ है, बट फाइनली मैंने प्रिंट आउट तो निकाल ही लिया। प्रिंट आउट तो मैंने निकाल ही लिया, प्रिंटर ठीक हो चुका है, बस मैं दिमाग ख़राब हो गया। ठीक, ये काम ख़त्म हो चुका, उसके बाद मैं जो रिव्यू हो सकता है शाम तक रिव्यू करूँ जो प्रोडक्ट मैंने बताया था, और काम ख़त्म अब चलते हैं। तो मैं पहुंच गया हूं घर, और घर में जो ऑर्डर आए थे ऑर्डर तो दिखाई नहीं, वो चले गए। तो जो ऑर्डर आए थे वो तो मैं रिव्यू नहीं कर पाया, कल ज़रूर रिव्यू करूंगा, ठीक है। और आज खाने बना है गर्मा गर्म पीले चावल और हरी चटनी, धनिया की चटनी। तो अभी ये खा रहा हूँ और खाने के बाद फिर जाता हूँ ऑफिस और वहाँ जाके एडिटिंग काम करते हैं, और उसके बाद मैं रिव्यू करता हूँ जो प्रोडक्ट मैंने आज सुबह बताया था। वो प्रोडक्ट जाना भी है आज, अभी ऑर्डर कर दिया है, आने वाला है बस 1 घंटे में, और एडिट करने के बाद तब जाके मैं रिव्यू करूँगा। अभी पहले फटाफट खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ और मेरी वीडियो एडिटिंग भी कम्प्लीट हो चुकी है, एडिटिंग पूरी 100% कम्प्लीट हो चुकी है और मेरा प्रोडक्ट भी आ चुका है। प्रोडक्ट दिखाता हूँ, अभी एडिटिंग 100% कम्प्लीट हो गई और अभी टाइम हो रहा है 15, मतलब अप्रॉक्स 3 बज रहे करीब। तो अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और मेरा प्रोडक्ट मेरे सामने है। तो अब बारी है इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने की, मैं दिखाता हूँ। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्ट मेरे सेलर पोर्टल से। कोई दिक्कत होती तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ और प्रोडक्ट दिखाता हूँ कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है। तो ये है अपना प्रोडक्ट, पोर्टेबल हैंडी वॉशिंग मशीन। जी हाँ, पोर्टेबल हैंडी वॉशिंग मशीन, ये इतना लाइट वेट है आप कहीं पर भी इसको उठा के ले जा सकते हैं प्यार से। अंदर क्या है वो दिखाऊंगा मैं, फिलहाल बाहर से देख लो, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये है मेन प्रोडक्ट, कलर इसमें बहुत सारे आते हैं, डिफरेंट मल्टी कलर होता है, ठीक।
पोर्टेबल हैंडी वॉशिंग मशीन स्मार्ट वॉश, और इसके फीचर्स पहले देख लो। फीचर्स क्या है, शॉक प्रूफ, ट्रेंडी लुक, सिंगल अपडेट मोटर, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड वाटर प्रूफ, लो पावर कंजप्शन, हाई पावर 350 वॉट मोटर, ठीक। ये तो इसके फीचर्स हो गए। ठीक, तो ये है इसका बॉक्स। कैमरे में शायद ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी छोटा सा है, ठीक। अभी इसके ऊपर ये 5-ply की कवरिंग भी होगी, जो ज़्यादा सेफ कर देगा इसको। मैं अंदर लेके चलता हूँ, इसके अंदर क्या है। तो अंदर है ये मशीन। तो ये है अपना पोर्टेबल हैंडी वॉशिंग। तो ये वॉशिंग मशीन इतना लाइट है, अगर आपको एक जगह से कहीं और शिफ्ट कर कपड़े धोने हैं, आप इजीली इसको कैरी करके ले जा सकते हो। इतना भारी नहीं है, आराम से एक हाथ में उठा कर ले जा सकते हो, ठीक। और आप इसको कैसे यूज़ करोगे उस बारे में मैं कभी और बताऊंगा, फ़िलहाल तो बस प्रोडक्ट दिखा देता हूँ क्या है प्रोडक्ट, ठीक। कैसे यूज़ करना है उस बारे में मैं बाद में बताऊँगा आपको। तो ये है, इसको आप बाल्टी में ले कर आराम से यूज़ कर सकते हो। बाल्टी में कैसे वो मैं बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, डिटेल में कभी और जाऊँगा, अभी बस ऊपर से थोड़ा थोड़ा मेन बता देता हूँ। ये है अपना प्रोडक्ट, ठीक। अंदर ऐसे पैकिंग आएगी ये, तो ये है अपना मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं ऐसी बता देता हूँ, एक तो ये इतना लाइट वेट है, आप ऐसी उठा के आराम से ले जा सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। तो दूसरा फीचर्स इसका क्या है, ये रहा इसका पकड़ने के लिए आप इधर से इसे कैरी कर सकते हो, ऐसे पकड़ लिया और ये उठा लिया, इतना लाइट वेट है, ठीक। ये रहा इसका ऑन ऑफ का स्विच। मैं पन्नी से अभी निकाल तो नहीं, क्योंकि ये माल मेरा जाना है अभी, ठीक है। अभी मैं बस डिटेल में बाद में जाऊंगा कैसे यूज़ करना है इसको, ऐसे ही बता देता हूँ। ये रहा इसका प्लग, हम इसको सॉकेट को लगा देंगे, ठीक है, ये ऑन हो जाएगा। इसको कर लिया ऑन, और ये जो मोटर है ये होगा, ये घूमेगा, ठीक, ये घूमेगा, और ऐसे हम पकड़ के ऐसे बाल्टी में लगा देंगे और वॉश होके निकल जाएगा। तो ये है बिल्कुल लाइट वेटेड वॉशिंग मशीन, ठीक। जो मान लो कोई ट्रिप में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, या फिर उनका मशीन वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाता है, वो ठीक करने में 1 से 2 दिन, उससे भी ज़्यादा दिन लग जाता है, तो आप अल्टरनेटिव में इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। या आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन हो जाएगा, और अगर किसी के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ रहेगा। मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक तो स्पेस भी ज़्यादा कैरी नहीं करेगा, ऊपर से लाइट वेट भी है। आप छत पे आप कपड़े धो रहे हो तो आप नीचे भी धो सकते हो, एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करने में बहुत ईजी है। ऊपर से ये इसका प्राइस भी काफ़ी कम है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर ऑल मेम्बर ऑफ फैमिली, ठीक। कोई भी ईजिली यूज़ कर सकता है इसको। तो बस अब इस प्रोडक्ट को ठीक से पैक करता हूँ और ये चला जाएगा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अब डायरेक्ट मेरे पोर्टल से गुरुकुल की दुकान का नाम से होगा, उससे आप बुक कर सकते हो, और उसमें कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा। अगर बाय चांस कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी कंप्लेन आती है, फिर ये मोटर ख़राब हो जाता है या फिर काम नहीं करता, तो मैं आपको पूरी सिक्योरिटी दूँगा, आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी डिटेल बाद में, कैसे यूज़ करना है, कैसे बाल्टी में यूज़ करके दिखाऊंगा किस तरीके से यूज़ होता है, उस बारे में वीडियो हम बाद में बनाएंगे। फिलहाल मैंने बस प्रोडक्ट रिव्यू कर दिया, ये है प्रोडक्ट, इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं कभी और बताऊंगा। फिलहाल ये प्रोडक्ट पैक करता हूँ और चला जाएगा। वीडियो मेरी एडिट हो चुकी है कम्प्लीट, उसको बस अपलोड करता हूँ और फिर निकलते हैं घर। फिलहाल तो मुझे इसके लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिकअप जाने में टाइम है अभी, ठीक। फिलहाल इसको पैक करते हैं, उसके बाद तो सारा काम ख़त्म करके मैं घर पहुंच चुका हूं। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं करीब, ठीक, और सिस्टम में कुछ काम कर रहा हूं, और ये धुआँ जो उठ रहा है, पता है क्या है ये, दिखाऊं क्या है ये,
ये है गर्मा गर्म मटर। ये मटर को उबाल दिया है, तो ये गर्मा गर्म मटर है। ठंड के टाइम बाहर हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस और हवा एकदम अपने चरम सीमा में उठा पड़ा है और बहुत ठंड लग रही है। गर्मा गर्म मटर के साथ कुछ काम करा जा रहा है और इसी मटर के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करता हूँ। आई होप आपको इस ब्लॉग में भी मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में। बाय बाय।